ओके स्टूडेंट्स, तो आज द्विता अक्षर के शब्द में पेज नंबर 26 पर हमको एक अक्षर दिया गया है। वो कौन सा अक्षर है और उससे शब्द बनाए गए, कौन कौन से शब्द बने उससे और उसके इंग्लिश में मीनिंग क्या क्या दिए गए हैं, ये पूरे हम जानने वाले। तो कौन सा शब्द है? सा। स को स की मात्रा सा, स को स की मात्रा सा, स को स की मात्रा सा, स को स की मात्रा सा। तो इसको अलग करके हम लिखेंगे, ओके। स और प्लस स की मात्रा, यानी कि स को स की मात्रा सा, स को स की मात्रा सा, स स को आधी मात्रा सा, है ना, स को आधी मात्रा या स की आधी मात्रा, और दोनों मिलकर क्या बोलते हैं हम यहां पर, सा, स को स की मात्रा सा। तो इससे एक शब्द भी आपको बनाया गया है, ये क्या है, र, र, मालूम है ना। और स को स की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सी, रस्सी। र स को स की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सी, रस्सी, रस्सी, क्या है, रस्सी। ओके, मैं लिखता हूं, रस्सी, रस्सी, रस्सी मीन्स व्हाट, रस्सी का अर्थ क्या है, रोप, रोप मालूम है ना आपको, रोप, थ्रेड, बहुत बड़ा होता है थ्रेड, है ना, रस्सी, क्या है, रस्सी, रोप, रस्सी मीन्स रोप। ओके, तो सा की मात्रा, कौन सी मात्रा, सा की मात्रा, यानी कि स को स की मात्रा लगने से सा बन जाता है और उसे हम क्या कहते, द्विताक्षर। इस प्रकार हमने उसको अलग किया और उसका वर्ड ये क्या है, रस्सी। यहां पर देखो, आपको स को स की मात्रा यहां पर है। ओके, तो द्विता अक्षर के शब्द में हमने लिया सा, इज राइट, सा। बच्चे लोग, इससे हम क्या बनाएंगे अब, शब्द यानी कि वर्ड्स। ओके, कौन से शब्द बने हैं यहां पर, इसे हमें देखना है। ओके, पहला शब्द ले लो, ये क्या है, अ, क्या है, अ, स को स की मात्रा और बड़ी की मात्रा सी, अस्सी, क्या है, अस्सी, अ, स को स की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सी, अस्सी, क्या है, अस्सी, बोलो, अस्सी। ओके, अस्सी, अस्सी मीन्स व्हाट, अस्सी, अस्सी मीन्स 80, अस्सी मीन्स 80, अस्सी, 80, ओके, 80, 80, अस्सी। अब आगे का शब्द क्या है, देखो ये क्या है, ला, क्या है, ला, स को स की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सी, यानी कि लस्सी। आप पीते हैं लस्सी, कौन सी लस्सी पीते हैं, है ना, ठंडी ठंडी लस्सी। तो देखिए, ल स को स की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा,
लस्सी, बोलो लस्सी, मैं यहां पर लिखता हूं लस्सी, ओके लस्सी, लस्सी मीन्स व्हाट, लस्सी मीन्स लस्सी, ओके लस्सी मीन्स लस्सी, तो अस्सी लस्सी। अब आगे वर्ड कौन सा शब्द है आगे, प प प को छोटी ई की मात्रा पी, प को छोटी ई की मात्रा पी, स को मात्रा स और उसे बड़ी ऊ की मात्रा सु, पिस्सु पिस्सु, प प को छोटी ई की मात्रा पी, स को स की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा सु, पिस्सु, बोलो पिस्सु पिस्सु, ओके मैं यहां पर लिखता हूं इंग्लिश में पिस्सु, क्या है वो पिस्सु, पिस्सु मीन्स व्हाट, पिस्सु फ्ली, पिस्सु मीन्स फ्ली, ओके पिस्सु फ्ली, पिस्सु फ्ली, पिस्सु फ्ली। अब आगे वर्ड कौन सा वर्ड है, क क क को छोटी ई की मात्रा की, क को छोटी ई की मात्रा की, स को स की मात्रा अ की मात्रा स, स को स की मात्रा और अ की मात्रा स, किस्सा, क्या हुआ किस्सा, बोलो किस्सा, मैं यहां पर लिखता हूं किस्सा, किस्सा, किस्सा मीन्स व्हाट, किस्सा का अर्थ क्या है, स्टोरी स्टोरी, इसे क्या कहते हैं कहानी कहानी कहानी, कथा कथा भी कहा जा सकता है, किस्सा किस्सा मीन्स स्टोरी, कहानी कथा, ओके ज्यादा वर्ड सीखना भी अच्छी बात है, जो हमें मालूम है वो हमें सीखना चाहिए। अब आगे का वर्ड, ह ह को छोटी ई की मात्रा ही, ह ह को छोटी ई की मात्रा ही, स को स की मात्रा आ की मात्रा सा, स को स की मात्रा आ की मात्रा सा, हिस्सा हिस्सा हिस्सा, मैं यहां पर लिखता हूं हिस्सा, ओके हिस्सा, हिस्सा मीन्स हिस्सा, हिस्सा मीन्स शेयर, शेयर करते हैं ना आप, शेयर कर लेते हैं ना, शेयर हिस्सा, मेरा हिस्सा मुझे दो, शेयर करो, है ना, ओके तो हिस्सा। बच्चे लोग इस प्रकार सा द्विता अक्षर से हमने शब्द और वर्ड्स बनाए, कौन सा लिया द्विता अक्षर सा, कौन सा लिया सा, अस्सी अस्सी, एटी लस्सी लस्सी लस्सी, पिस्सु पिस्सु, फ्ली किस्सा
किस्सा स्टोरी कहानी कथा हिस्सा हिस्सा शेयर ओके फिर एक बार देखो अस्सी लस्सी पिस्सू किस्सा हिस्सा ओके इस प्रकार ये शब्द बने यहां पर देखिए स किस प्रकार स का स की किस प्रकार मात्रा यहां पर आई है आपको इस पर ध्यान देने पर आपको समझ में आएगा बच्चे लोग ये हो गए इसके वर्ड्स सा 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 के वर्ड्स अब हम क्या करेंगे लेखन अभ्यास यहां पर है वो आपको करना है ओके लेखन अभ्यास की तरफ चलते हैं पेज नंबर 26 पर हमें जो लेखन अभ्यास राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं इसे हमें क्या करना है देखकर फिर से लिखना है देखो कौन सा वर्ड दिया है अस्सी किस्सा पिस्सू लस्सी हिस्सा गिस्सू ओके इसे हमें क्या करना है वही देखकर नीचे लिखना है लिखो यहां पर अस्सी अस्सी किस्सा किस्सा पिस्सू पिस्सू लस्सी लस्सी हिस्सा हिस्सा गिस्सू गिस्सू ओके इस प्रकार लेखन अभ्यास जो आपको दिया है उसे भी हमने पूरा कर लिया है यहां पर आपको देखिए बच्चे लोग पढ़िए समझिए और लिखिए रीड अंडरस्टैंड एंड राइट आपको द्विताक्षर दिए गए उससे आपको क्या बनाने हैं वर्ड्स बनाने हैं शब्दों को बनाना है और लिखना है तो कौन से वर्ड्स दिए हैं कौन से अक्षर दिए हैं द्विताक्षर और उससे कौन से हम वर्ड्स बना सकते हैं ये हमें देखना है ओके मैं यहां पर आपको लिखकर दिखाता हूं ओके तो चलो तो देखिए पढ़िए समझिए और लिखिए रीड अंडरस्टैंड एंड राइट ओके आपको क्या दिए आपके सामने ये द्विता अक्षर आपको दिखाई दे रहे ये द्विता अक्षर से आपको क्या बनाने शब्द बनाने यानी कि वर्ड्स बनाने ये क्या है का चा ता ला बा वा सा ना डा डा ओके तो का तो पहला शब्द मक्का मक्का चा बच्चा बच्चा ता से क्या बनता है कुत्ता कुत्ता ला ला से क्या बना सकते हैं हम बिल्ली
ओके, बिल्ली, बिल्ली है ना। बांस से क्या बना सकते हैं? डिब्बा, डिब्बा, डिब्बा। ओके, अब वहां पर जो हमको द्विताक्षर दिए उसको हमें उपयोग करके क्या करना है, शब्दों को तैयार करना है। क्या है वह? वह अव्वल, अव्वल। सा लस्सी, लस्सी। इससे क्या बना सकते हैं? ना से अन्न, अन्न। दा से क्या बना सकते हैं? दा से गद्दी, गद्दी है ना, गद्दी। डा से क्या बना सकते हैं? डा से, डा से, हाँ, डा से गद्दी, गद्दी। डा से क्या बना सकते हैं? टिड्डा, टिड्डा, टिड्डा। इस प्रकार पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। ये क्या है? मक्का, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, डिब्बा, अव्वल, लस्सी, अन्न, गद्दी, टिड्डा। ओके, इस प्रकार हमने पेज नंबर 26 पर जो भी द्विता अक्षर आपको दिए थे उससे हमने क्या बनाए, शब्द आपको बनाए। अब हम चलेंगे पेज नंबर 27 की तरफ। किस तरफ? पेज नंबर 27 की तरफ। कौन सा द्विताक्षर आपको दिया है, उसके वर्ड्स किस प्रकार तैयार हुए, ये हम अब पढ़ने भी वाले हैं, लिखने भी वाले हैं और समझने वाले भी हैं। ओके,